हाँ भाई, तो मोल का मतलब क्या है? मोल का मतलब है ये एक संख्या है, जैसे एक दर्जन का मतलब होता है 12, इसी प्रकार एक मोल का मतलब होता है 6.022 × 10³। तो मोल का मतलब सबको समझ में आ गया, मोल क्या है? मोल एक संख्या है, और ये इतने, इट इज दी मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एज आइडेंटिटी विच आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ वॉट 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम कार्बन में जितनी स्पीशीज मौजूद होती हैं वो 1 मोल के बराबर होता है। खैर, कुल मिला के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी कहा जाए, मोल एक संख्या है। मोल इज अ नंबर। 1 मोल इज इक्वल टू अ नंबर विच इज इक्वल टू 6.022 × 10³ स्पीशीज। अब वो कुछ भी हो सकता है, 1 मोल एटम हो सकता है, 1 मोल मॉलिक्यूल हो सकता है, 1 मोल आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 मोल हाथी हो सकता है, 1 मोल कुत्ता हो सकता है, और इसका मतलब होगा इतने एटम्स, कितने एटम्स? 6.022 × 10³ एटम, 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स, और ये हो सकता है 6.022 × 10³ आयंस। किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा? अब 1 मोल दिस बराबर, इतनी स्पीशीज को एक डेजिग्नेशन से अपन करते हैं एनए, और एनए होता है एवोगैड्रो नंबर। एनए होता है एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है बेटा? एनए बराबर किसके होता है? 6.022 × 10³ के बराबर होता है, ठीक? जैसे किसी ने बोला 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ एटम्स, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर क्या होगा? 3 × इसका आंसर होगा 3 × 6.022 × 10³ मोल एटम्स। क्या ये सही बोला मैंने? क्या ये सही बोला है मैंने या गलत बोला है? जल्दी से कंफर्म करेंगे बेटा, क्या ये मैंने सही बोला है कि गलत बोला है? जल्दी बोलो बेटा। ऑफकोर्स ये गलत बोला है, ऑफकोर्स ये गलत बोला है, ठीक है ना? क्योंकि वहां मोल नहीं आएगा, वहां नंबर ऑफ एटम आएगा, लेकिन क्वेश्चन में तो मोल पूछा था, तो क्वेश्चन में मोल पूछा था, तो इसका आंसर कितना आ जाता है? इसका आंसर हो जाता है सिर्फ 3, तो इसका आंसर हो जाता है सिर्फ 3, तो यहाँ लिखता मैं 3 मोल एटम। आई सपोज सब लोग को बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पे मैं लिखता 3 मोल एटम, क्लियर है बेटा इतनी बात? यहाँ लिखता 3 मोल एटम, क्या ये बात सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? तो मैं बोल सकता हूँ मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी, और मैं ये भी बोल सकता हूं नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी इनटू एनए। क्या बात चमक गई सब लोग को? यदि नंबर ऑफ एटम लिखने हैं तो एनए का मल्टीप्लाई कर देना था, नंबर ऑफ एटम लिखने हैं तो एनए का मल्टीप्लाई कर देना था। कोई रॉकेट साइंस पढ़ा दिया क्या मैंने आप लोगों को, कि बस बहुत ही ज्यादा सिंपल सिंपल लिटिल स्टार पढ़ाया? आप लोगों को शर्म आ गई सब लोगों को? जल्दी से बोल दो यार, ठीक है ना? एकदम सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है बेटा अभी तक, है ना? शर्म आ गई, बहुत बढ़िया। चलो इसको जल्दी से एक काम करो, नोट कर लो, और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो, नोट कर चुके हैं, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। कहें बेटा, आज्ञा दें। वैसे तो आजकल क्लास में बच्चों की प्रेजेंस बहुत भयानक दे रही है दिखाई मुझे। देखो कितने आ गए, फिर भी आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं, पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं। तो इसको अपन मिटा देते हैं। चलो भाई,
मिटाओ, आओ मिटाओ, आओ मिटाओ, आओ मिटाओ, डन डन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ बातें पढ़ते हैं, कुछ बातें और करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हमने बोला मोल नंबर ऑफ एटम बराबर कितना हो गया, मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटमिसिटी इनटू एन ए। ठीक, जैसे मैं बोलूं वन मोल एस टू एस ओ फोर और यहां पर पूछ लूं मोल ऑफ एटम, और यहां पर पूछ लूं नंबर ऑफ एटम, यहां पर पूछ लूं नंबर ऑफ एटम, तो मेरी समझ में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग बता सकते हैं। वन मोल एस टू एस ओ फोर और थ्री मोल एसओ थ्री चार मोल सी सिक्स, क्यों लिखूं इतना, ग्लूकोस, चार मोल ग्लूकोस, पांच मोल सुक्रोज, दस मोल यूरिया। करेक्ट है, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छा बनाने की कोशिश करी जिससे कि एकदम घटिया ना हो जाए। तो पहला तो घटिया है, एक मोल H2SO4, बताओ बेटा मोल ऑफ एटम में कितना रख दो, मोल ऑफ एटम में कितना रख दो बेटा, बोलना पड़ेगा यार, नहीं तो मैं करूंगा तो क्या मजा आएगा। लो अब ये चार्ट सुंदर दिख रहा है, जल्दी बोलो यार। हाँ, किसी बच्चे ने सात बोला है, कई बच्चों ने अब सात बोल दिया है शायद, तो आंसर इसका सात ही करेक्ट होगा, क्योंकि इतने सारे बोल रहे हैं तो मैं आप पे भरोसा करता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7, ये सात हो जाएगा, क्या ये सात एने हो जाएगा, क्या ये सात एने हो जाएगा, और सात एने की जगह चाहूं तो मैं 7 × 6.022 × 10³³ लिख सकता हूँ। इधर बोल दो बेटा, 3 मोल SO3 मतलब कितने मोल एटम, 3 मोल SO3 मतलब कितने एटम, मतलब नंबर ऑफ मोल इंटू एटोमिसिटी, एटोमिसिटी इसकी 3 है कि 4 है, दुनिया को 4 दिखाई दे रही तो 4 ही होगी, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 12, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 12 एन हो जाएगा। चलो भाई, 4 मोल ग्लूकोस, अब क्या करना पड़ेगा जल्दी बोलो बेटा, 4 मोल ग्लूकोस कितना हो जाएगा, 4 मोल ग्लूकोस, एटोमिसिटी सबसे पहले मोल 4 है और एटोमिसिटी ग्लूकोस की कितनी है, सबने कैलकुलेट किया 24, मैं आप पे भरोसा कर लूंगी 24, चलो भाई तो भरोसा कर लेते हैं 24, तो ये कितना हो गया 96, तो ये हो जाएगा 96 एन ए। आई ट्रस्ट यू, फिर भी एक बार देख लेते हैं, C6H12O6, 6 12 6 24 हुआ, आप एकदम करेक्ट थे। चलो आगे बात करते हैं, 5 मोल सुक्रोज, क्या दुनिया जानती है सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, क्या दुनिया जानती है सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। क्या मैं सही कह रहा हूँ, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो सुक्रोज बन जाता है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से वाटर निकाला मतलब सी का 12 हो गया और H24 का 22 हो गया और O12 का O11 हो गया, तो इसका मतलब इतना गणित तो सब लोग को आता होगा, 12 22 और 11 को धन कर सकते होंगे, 2 2 और 1 5 और 2 1 4 और ये 5, क्या मैंने सही लिखा है, नहीं मैंने गलत लिखा है, दिस इज 4 45, क्या मेरा गणित सही है बेटा, क्या 45 सही है, करेक्ट है, ओके चलो, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 × 45, 5 × 45, 5 25 की 5, हंसे लाई 2 और 5 4 20 और 2 22, 225, क्या मैंने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा 225 एन ए हो जाएगा, मजा आया। अगला सवाल, 10 मोल यूरिया, क्या दुनिया जानती है यूरिया का फॉर्मूला क्या है, क्या वो NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 होता है, तो एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 और 2 3 और 2 और 3, क्या वो 8 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये 10 मोल लिया है ना, तो 10 × 8 बराबर हो जाएगी 80, तो ये 80 हो गया, तो ये 80 एन ए हो जाएगा, क्लियर है, जितना घटिया सवाल हो सकता था उससे थोड़ा कम घटिया बनाया है। ठीक है बेटा, अब क्या अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर लें फटाफट लगे हाँ तो, ठीक है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लाओ और भी ऐड कर सकता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट दे सकता हूँ, ब्ला 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 खूब सारे दे सकता हूँ, ठीक है ना, अब तक बात चल रही नंबर पे, कहें तो आप मिटा दो मैं, ठीक है ठीक है, मिटा दे बच्चो, डन डन, टेकिंग द स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलो आओ और ज्ञान की बातें करें, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे चलते हैं कि कैसे निकालते हैं अपन, उसके लिए भी छोटू सा फॉर्मूला लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखो बेटा, यदि हमको नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स, या मॉलिक्यूल से ही चलते हैं फॉर्मूला बनाते हुए, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मोल ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी, इनटू एटोमिसिटी नहीं, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल मॉलिक्यूल, इन सिंगल मॉलिक्यूल। अब दुनिया जानती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे आता है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एन, व्हिच इज इक्वल्स टू मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एन ए इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सिंगल मॉलिक्यूल, इन ए सिंगल मॉलिक्यूल। क्या बात सबको क्लियर है बच्चों? घटिया से फॉर्मूले है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। क्या सेम फॉर्मूला अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए बोल सकते हैं और सेम फॉर्मूला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए बोल सकते हैं? सिर्फ प्रोटॉन की जगह, इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन लिखना है और न्यूट्रॉन की जगह, और इलेक्ट्रॉन की जगह न्यूट्रॉन लिखना है। यदि हाँ ना बोल दोगे तो मैं आपसे मतलब बोल दूंगा हाँ अपन आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर ना बेटा इतनी बात, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना? ओके चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। अच्छा ये जादुई बात सबको पता है क्या कि मास नंबर बराबर होता है, क्या ये जादुई बात सबको पता है कि मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है बेटा सबको इतनी बात? और इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं क्या हम, क्या इनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, जो भी न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात? सो मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, तो इतनी बात भी आपको क्लियर है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और बोलता हूँ, एग्री करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या नंबर ऑफ प्रोटॉन, या इसी को अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर, या इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, प्लस नंबर नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन अ स्पीशीज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर हटा देते हैं हम यहाँ से, इसलिए हटा देते हैं कि टोटल नंबर, ये स्पीशीज किसी पे भी लागू हो सकता है, फिर फॉर्मूला मॉलिक्यूल पे भी हो सकता है, आयन पे भी हो सकता है, किसी पे भी लागू हो सकता है, कोई चार्ज नहीं है तो वहां जीरो लिख देंगे, ठीक ना? और क्या यहाँ पर लिख सकता हूं मैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और इन अ न्यूट्रल स्पीशीज नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बेटा इतनी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना? चलो इसको आप फटाफट नोट करो, फिर मैं आपको इस पे दो चार सवाल करवाता हूँ घटिया से और आगे बढ़ जाते हैं। चलो बेटा जल्दी जल्दी करो, झटापट फटाफट होशियार बच्चो, अभी नंबर नंबर खेल रहे हैं, फिर मास मास खेलेंगे धीरे धीरे और अच्छा चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना? क्या स्क्रीनशॉट हो गया है, सब लोगों ने ले लिया है? इसकी पीडीएफ बना देना, ग्रुप पे डाल देंगे, बेहतरीन, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई, ठीक है ना? आओ मिटाए, मिटा दें, चलो मिटाओ दिस। यदि आपके पास थोड़ा नेट डाटा बच जाए तो रात में सोते सोते एक बार नाइट्रोजन पे आंख मार लेना भाई, नाइट्रोजन का सेकंड वाला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो रात में सोते सोते एक नजर मार लेना, है ना? जब सोया करो ना तब आराम से लेटे लेटे ऐसे देखता रहा करो, वो एनसीईआरटी में बना ही आप लोग के लिए इसलिए रहा हूं जिससे आखिरी आखिरी में आप सब लोग की रिवीजन प्रॉपर हो जाए और ऐसे लेटे लेटे अपनी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाए। कान में लगा लो बढ़िया इधर, और सर सामने डांस कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा दो उसकी,
स्पीड बढ़ा दो, यूट्यूब पे इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है उस पर, स्पीड बढ़ा दो, फटफट फटफट अपनी एनसीईआरटी पूरी रिवाइज कर लो, ठीक है ना। आखिरी आखिरी में कई बार ऐसा काम कर लेना आप लोग। ओके बेटा, तो अपन बात कर रहे हैं, अपन बात को समझ रहे हैं, ठीक है ना। एंड तक मैं सारी की सारी आपके लिए दे दूंगा एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो अपन बात क्या कर रहे हैं, अपन बात क्या कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं, कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या बातें कर रहे हैं, अपन मोल कंसेप्ट की बातें कर रहे हैं ना। तो अपन क्या कह रहे थे, अपन ये कह रहे थे, ठीक है, इस पे सवाल बनाने वाले थे। सवाल क्या बना दूं, सवाल ये बना देता हूं बच्चों मैं आपके लिए कि मान लो मेरे पास में है एक मोल सल्फेट, मान लो मेरे पास है एक मोल सल्फेट, और कोई बोले कि भैया जी इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो, तो क्या भैया जी बता सकते हैं इनमें। चलो भैया बात करते हैं, एक मोल क्या है मेरे पास, सल्फेट है, तो सल्फेट के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, एक सल्फेट के पास कितने होते हैं, क्या 32 प्लस 64, क्या मैंने सही लिखा कि बकवास लिखा है, मुझे तो लगता है बकवास लिखा है ना। सल्फर क्या कितना होता है, सल्फर का एटमिक नंबर कितना होता है, क्या वो 16 होता है, सल्फर का एटमिक नंबर क्या होता है, क्या वो 16 होता है, तो सल्फर में 16 प्रोटॉन होते हैं जबकि 8 चौक 32, अब सही है शायद, है ना, और 16 और 32 मिला के 48 हो जाते हैं, सो सिर्फ 48। क्या ये आंसर सही है कि गलत है, क्या ये आंसर सही है कि गलत है, जल्दी बोलो, गलत के सही, वेरी गुड, गलत है, इसमें एन ए मिसिंग है, तो इसका आंसर होगा 48 Na, अभी आंसर सही है, चमका के नहीं चमका, क्लियर है बेटा इतनी बात, ओके वेरी गुड। चलो भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं, तो क्या हमको पता है सल्फर में जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, 32 होता है उसका मास, 32 होता है मास, 32 होता है मास, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास नंबर 32 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 16 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, 32 - 16 = 16, क्या सबको बात समझ में आई। सल्फर का मास नंबर होता है 32, तो सल्फर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 16, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, करेक्ट है इतनी बात, तो 32 हो गए। ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16 और उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 8, 16 - 8 = 8, एंड देयरफॉर हम बोल देंगे कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितना हो गया, सल्फर के अंदर 16 और इसके अंदर 8, क्या सबको बात समझ में आई, तो क्या बराबर है, तो क्या यहाँ पर 48 Na लिख सकता हूँ, जल्दी से कंफर्म करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे बराबर है तो 48 Na लिख सकता हूँ। चलो भैया यहाँ बोल दो क्या लिख दूं, जल्दी जल्दी बोल दो यार, मजा आ जाएगा थोड़ा सा, जल्दी से बोल दो, मनीषा भी आ गई है, यहाँ पे क्या लिख दूं, क्या 50 लिख दूं बेटा, क्योंकि दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो मैंने तो आपसे बोला ही था के ओलो, और मनीषा लेफ्ट भी हो गए। अब अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे लिख देते हैं 50 Na, क्या सबको बात चमक गई कि नहीं चमक गई, दो एक्स्ट्रा आ गए भाई, ठीक है ना। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, 2 मोल कार्बोनेट, चलो भाई 2 मोल कार्बोनेट, दुनिया बताएगी जल्दी से कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, चलो भाई जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है, सभी लोगों को अपना ध्यान रखना, एक बात याद रखना, यदि आप इंदौर में हैं तो घूमना मत बाहर, समझे आप मेरी बात को, हॉस्टल में ही रहना है अपन को, सेफ बिल्कुल, ठीक है ना, बाहर मत घूमना, गलती मत कर देना ऐसे। चलो भैया, दुनिया पागल है तो अपन थोड़ी ना पागल बनेंगे, है ना बेटा। चलो तो अपन ये बात करते हैं, 2 मोल कार्बोनेट, तो 2 मोल कार्बोनेट की बात करें तो 12 और ये 16 * 3 = 48, तो क्या ये 60 हुआ बेटा, सब लोगों को बात समझ में आई, बिल्कुल बकवास आंसर। अबे कार्बन में 12 थोड़ी ना होते रे, कार्बन के अंदर कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 8 * 3 = 24, तो क्या मैं यहाँ पे लिख दू 6 + 24 = 30 Na, एकदम सही है, ये 30 Na आ गया, ये नंबर ऑफ क्या है बेटा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन भी इतना ही है, क्योंकि इधर 6 प्रोटॉन 6 12, कार्बन होता है 12 और 6, प्रोटॉन संख्या होती है 6 और मास नंबर होता है 12, 12 - 6 आएगा 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 6, और ये अभियान सिखा दिया था इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 होते हैं, तो 3 है तो 8 * 3 = 24 हो गया, तो ये 30 Na हो गया, क्या सब लोग एग्रीड है मुझसे, जल्दी से बताओ बेटा यहाँ पर क्या लिख दूं, क्या यहाँ पर मैं 32 Na लिख दूं, क्या आप लोग एग्रीड हो इस बात से, क्या कोई एग्रीड नहीं हो, 32 Na लिख दूं, एग्रीड नॉट एग्रीड, ओहो नॉट एग्रीड, 60 Na आएगा ना, ओहो 60 Na आएगा ना, ऐसा होगा क्या, 60 Na आएगा ना, अरे भाई ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अरे मेरे भाई
तुम देखो कार्बन है, कार्बन 12 6 होता है, देखो तो सही मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 6 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हुआ एक में, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हुआ? 12 6 6 हो गया भाई। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वो उससे निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में किसी को दिक्कत है क्या? हाँ, ये तो मैं देखना भूल ही गया कि 2 मोल कार्बोनेट दिया, एकदम सही बात है, 2 मोल कार्बोनेट दिया, इसलिए 60Na आ जाएगा, और ये भी 60Na आ जाएगा, और ये 64 आ जाएगा, एकदम करेक्ट बात है आपकी। मैंने सिर्फ एक ही मोल में कैलकुलेट कर दिया क्वेश्चन देने के बाद, खुद ही देखना भूल गया था। करेक्ट है बेटा बात इतनी, ठीक है ना। 1 मोल के लिए तो सही था, लेकिन 2 मोल के लिए गलत था। बहुत बढ़िया, बहुत पकड़ा आपने। आओ चलो आगे बढ़े। 1.5 मोल फॉस्फेट, 1.5 मोल फॉस्फेट। चल भाई जल्दी जल्दी करके बताएगा, जमुड़ा जल्दी जल्दी काम करके दिखाएगा। क्या सबको पता है कि फॉस्फरस क्या होता है? 3115 होता है। आधी जनता को तो यही नहीं पता होगा, 3115 होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? 15। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए? 16। 16 + 15 कितना होता है? 31। क्या चमका? तो चलो पहले प्रोटॉन की बात करें, तो ये 15 और ये कितने थे? ये थे 8। 8 × 8 = 32, तो ये कितने हो गए? 32। लेकिन ये कहानी तो एक में है, लेकिन टोटल कितना है? 1.5 है। तो (1.5 × Na) कर दूं, किसी को कोई आपत्ति है क्या भाई? 15 + 32 कितना होता है? क्या आपका गणित इतना तेज है? ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या ये बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है? ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, अरे वाह। (3) हो गया, (2) हो गया, (Na) हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी जल्दी बोलो, हाँ ना बोलो। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है इसमें, या सब लोग एग्रीड है मुझसे? नो सर, किसी को कोई परेशानी नहीं, वेरी गुड। क्या मैं यहाँ पर जो है 16 + 32 (3/2Na) लिख दूं बेटा? क्या किसी को कोई दिक्कत है? क्या सबको समझ में आया 16 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने 31 - 15 किया तो 16 आ गया यहाँ पर, तो ये 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, (3/2) हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। चल भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उससे कितने ज्यादा होंगे? क्या यहाँ पर 3 ज्यादा हो जाएंगे? तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 47 × 3/2, ये टोटल जो भी आ रहा हो इसमें +3 कर देंगे, ये टोटल जो भी आ रहा हो इसमें +3 कर देंगे। कितना आ रहा है? गणित है क्या आपके पास? 73.5। आई ट्रस्ट यू नम्रता, तो नम्रता ने बोला 73.5, मैंने नम्रता पर ट्रस्ट किया। क्या मैंने नम्रता पर ट्रस्ट सही किया कि गलत किया? जल्दी से कंफर्म करके बताओ बेटा, क्या मैंने सही किया कि गलत किया? ट्रस्ट इशू आजकल बहुत चल रहा है भाई। 73.5 जल्दी बोलो यार, सही किया? ओके सही किया, ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे शुरू से ही विश्वास था उस पर। चलो भाई जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो आप फटाफट झटापट इसको नोट कर लें, 3 सवाल शायद बहुत हैं इतना पैंपे करने के लिए, ठीक है ना बेटा? ओके चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ना। अब नंबर नंबर हमने खेल लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, बहुत सारी चीजें नंबर नंबर की निकाल लें। आप लोग को आनंद आया, ठीक है बेटा। जो सवाल मैं बना सकता था, जो यहाँ कुछ कर सकता था, अच्छा पॉजिटिव चार्ज भी लगा देता तो क्या करता? उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते, है ना। एक क्वेश्चन और कर सकते थे, लेकिन अब तो मैंने मिटा दिया है, तो अब नहीं ले रहा हूँ क्वेश्चन। नहीं तो उस ग्राफ में, उस चार्ट में अपन अमोनियम आयन ले लेते, वो भी एक बात हो जाती, ठीक। अब इसमें वेरिएशन क्या हो सकता है? इसमें नंबर ऑफ मोल में डायरेक्ट दे रहा हूँ, ये भी हो सकता है वो आपको नंबर ऑफ ग्राम दे दे उसके बाद निकालने के लिए बोले, ये भी हो सकता है वो आपको नंबर ऑफ ग्राम दे दे उसके बाद उसमें निकालने के लिए बोले। क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? है ना बेटा। ये भी हो सकता है कोई गैस दे दे, गैस का वॉल्यूम दे दे उसके बाद आपसे पूछ ले। तो कुल मिला के आपको पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आगे की कहानी चलेगी। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के कितने फॉर्मूले वो भी देख लेते हैं, है ना। तो यदि हमें मास दिया है और नंबर ऑफ मोल निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? तो हमको पता है नंबर ऑफ मोल बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। अब यहां भी मॉलिक्यूलर वेट नहीं लिखना है अपन को, गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिखना है, ठीक है बेटा, या मोलर मास लिखना है, या लिखना है अपन को गिवन वेट। और ये वेट काय में दिया हुआ है? गिवन वेट इन, मतलब गिवन वेट जो भी आपको ग्राम्स में दिया हुआ है, अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, मेरी बात को समझना, मेरी बात को आप
ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, है ना बेटा। तो क्या है कि आपको वेट दे देता है वो, और उसने बोल दिया कि आपको 12 ग्राम कार्बन दिया है, बताओ क्या कहते हैं कितना मोल है। तो 12 डिवाइडेड बाई एटमिक वेट कर देना, क्योंकि एटम दिया है तो उसी का वेट डिवाइड करेंगे। जैसे कि यही फॉर्मूला हो सकता है, गिवन वेट अपॉन गिवन वेट, इन ग्राम्स देगा वो वेट यहाँ, है ना, इन ग्राम्स देगा वेट, तो गिवन वेट डिवाइडेड बाई, इधर लिख दूं क्या, इन ग्राम्स, गिवन वेट अपॉन एटमिक वेट, यदि एटम की बात कर रहा है, है ना, जिस स्पीशीज का वेट दिया उसी के तो मोल निकलेंगे बता, तो उसका ही आपको एक मोल का वेट लेना पड़ेगा। चाहे आप एटम का वेट दिया है तो एटमिक वेट नीचे ले लेना, और मॉलिक्यूल का दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट नीचे ले लेना, ठीक है ना बेटा। जैसे कि कोई आपसे बोल दे कि ये एक वेसल है, इस वेसल के अंदर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, 11 ग्राम CO2 प्रेजेंट है, तो बताओ फाइंड मोल ऑफ CO2 प्रेजेंट, फाइंड मोल ऑफ CO2 प्रेजेंट। तो सबको पता है गिवन वेट कितना है, 11 है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 44 है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है बेटा। और ये 1/4 हो जाएगा, घटिया सा गंदा सा सवाल था, लेकिन कराना पड़ता है इसलिए मैंने आपको करा दिया है। क्या सबको, बच्चों को बात क्लियर है, ये सवाल सबको क्लियर हो गया, या 2-4 सवाल इसी टाइप के और करवा दूं, एक सवाल में बात बन जाएगी कि 2-4 इसी टाइप के करवा दूं, एक ग्राफ, एक वो पैराग्राफ, वो क्या नाम है, चार्ट बनवा दूं क्या, बन गई बात, आ गई तेज समझ में, है ना, हो जाएगी ना, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक, चलो ओके। अब इसको आप जल्दी से नोट कर लो तो मैं आगे बढ़ूं, यदि आपका नोट हो गया, स्क्रीन शॉट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं भाई, हो गया भाई, चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे पढ़ते हैं, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ये एक फॉर्मूला था, ठीक है ना। अब सुनो यार, एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं दो हो गए मोल के फॉर्मूला, एक मोल का फॉर्मूला ये हो गया, एक मोल का फॉर्मूला, एक मोल का फॉर्मूला बता देते हैं ना, फॉर गैसेस, फॉर गैसेस मोल का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, अपॉन मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। और ये फॉर्मूला कहां से आता है आपको पता है ना, गैस लॉ है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, गैस लॉ है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है ना बेटा। तो यहां से क्या होता है, यहां से अपन ये निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर पीवी बाई आरटी हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा पीवी बाई आरटी, अच्छा ये नंबर ऑफ मोल्स बराबर है पीवी बाई आरटी, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, इससे तो अपन एक मोल का निकाल लेंगे अंडर एसटीपी एनटीपी कंडीशन वॉल्यूम निकाल लेंगे, खैर छोड़ो इसको, मैं कुछ इसमें रिलेट नहीं कर पाया, थोड़ी देर में दिमाग में आ जाएगा फिर रिलेट कर दूंगा। क्या ये गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, क्या बेटा गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्मूला, बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द गैसेज नॉट फॉर द लिक्विड, द फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द गैसेज नॉट फॉर द लिक्विड। क्या सबको बात क्लियर है कि नहीं है, क्या सबको बात क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बोलो यार। लेकिन ये गिवन वॉल्यूम किस पे होगा, गिवन वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन होना चाहिए, तो ये होगा गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, एट एसटीपी, समझ रहे हो बात को, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और ये मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, या फिर दोनों से एसटीपी एसटीपी हटा देते हैं और ये बात लिख देते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन, तो बात सही हो जाएगी, तो बात लिख देते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। तुम्हें मेरी बात नहीं आई समझ में, मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, यदि आपने ये वॉल्यूम नापा एसटीपी पे और मोलर वॉल्यूम आपने नापा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, आपको दोनों चीजें एक ही कंडीशन में नापनी पड़ेगी तो ही फॉर्मूला एप्लीकेबल है, नहीं तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। बोथ आर मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन, तो यहाँ पे लिख दो बोथ वॉल्यूम मेजर्ड अंडर सेम कंडीशन, बोथ वॉल्यूम मेजर्ड अंडर सेम कंडीशन, अंडर सेम कंडीशन, करेक्ट है बेटा। यदि दो अलग अलग कंडीशन में वॉल्यूम को मेजर किया गया है तो ये सही बात नहीं हो पाएगी, ठीक ना। अब सुनो बेटा, यदि मोलर वॉल्यूम आपने एसटीपी एनटीपी निकाला तो कितना आएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी,
एट एस टी पी, और हमारी इंडियन कंडीशन में अपन एस टी पी एन टी पी दोनों सेम ही मानते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड अपन एस टी पी लिख के चलते हैं, ठीक। सो पीवी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, दुनिया जानती है। इनमें हल्का सा अंतर भी होता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन हमें फालतू की स्मार्टनेस नहीं देनी है, नीट में काम चल जाता है। एनसीईआरटी में कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है। सो पीवी इक्वल्स टू एन आर टी हो गया बेटा, पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन आर टी हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो जाएगा, पीवी बाई आर टी हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर कितना हो गया, 1 हो गया, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 ले लिया अपन ने स्टैंडर्ड कंडीशन में, प्रेशर 1 atm या 1 bar, ऐसे करके अपन ने प्रेशर ले लिया 1, ठीक है। और वॉल्यूम ये हो गया इधर, वॉल्यूम हमको क्या करना है, मेजर करना है 1 mole का, तो 1 mole का वॉल्यूम करना है, तो इधर 1 कर देते हैं अपॉन आर टी। आर की वैल्यू कितनी होती है, 0.0831 हो जाएगी, 821 हो जाएगी। यदि अपन ने ये प्रेशर 1 लिया है तो ये 821 आएगा, ठीक है ना, अन्यथा अपन प्रेशर 1 नहीं ले सकते थे, 1.00325 समथिंग लाइक दिस प्रेशर लेते जो सॉरी 1.01 लेते, कुछ ऐसा है, मेरे को अगेन मैं एग्जैक्ट वो कन्वर्जन भूल रहा हूँ बार का, हाँ 1.013 लेते हैं, यदि बार में लेते हैं अपन, ठीक। तो इसको 0.0831 लेते हैं। अब मैंने इसको 1 लिया, इसको 0.0821 लिया है, और आपको पता है स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर जो है एसटीपीएनडी पे, स्टैंडर्ड पे नहीं, एसटीपीएनडीपी पर 273.15 है, स्टैंडर्ड कंडीशन में 298 केल्विन होता है, तो ये आ जाएगा, क्लियर है बेटा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये 22.41 के करीब आ जाता है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 mole ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 mole ऑफ गैस एट एसटीपी। क्या सबको बात चमकी कि नहीं चमकी, क्या सबको बात चमकी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इधर लिखी है, बोथ वॉल्यूम मेजर्ड एट सेम कंडीशंस। तो 3 formulae हो गए बेटा, कितने फॉर्मूले हो गए, 3 formulae हो गए, ठीक है, पता नहीं है मोल के, नंबर ऑफ मोल के कितने फॉर्मूले हो गए बच्चों, 3 formulae हो गए। मिटा दूं मैं इसको जल्दी से, ओके। अब चूंकि तुम इतनी सारी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, तो नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में ही पढ़ाया था, वो था मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे इकट्ठा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स के जो फॉर्मूले हमारे पास आज इकट्ठे हुए, एन बाई एन नॉट, वेयर एन इज गिवन नंबर, वेयर एन इज गिवन नंबर ऑफ अ स्पीशीज, गिवन नंबर ऑफ ए स्पीशीज, ठीक है बेटा, और ये है एवोगैड्रो नंबर, और ये है एन ए एवोगैड्रो नंबर, ये एक फॉर्मूला हो गया बेटा। एक और फॉर्मूला होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट ऑफ स्पीशीज, मोलर वेट ऑफ स्पीशीज, मोलर वेट ऑफ स्पीशीज, और थर्ड वाला होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, और यही बराबर होता है गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.41 लीटर्स, गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स एट एसटीपी, और यही बराबर होता है गिवन वॉल्यूम इन एम एल अपॉन 224 टकलू एट एस टी पी इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू एन। अरे बोलो आया कि नहीं आया, सभी लोग बोलो बेटा, बात क्लियर है सब लोगों को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल एकदम सुंदर सुई। चलो फटाक दीजिए नोट करो। अब बेटा ऐसा है, इसका 90% भाग आपको आता है, तो मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आपको आता है, चलो हो गया सिलेबस खत्म। मिटा दू तो मैं क्या है, आपको एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करता हुआ ले जा रहा हूं, मुझे पता है कि आपको ये सब आता है, ठीक है ना, मिटा दू इसको मैं बेटा, ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊं, एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं AMU, सुना है कभी आपने, एटमिक मास यूनिट, एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो लेट अस टेक ऑन दिस शब्द कॉल्ड एज AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक
मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1/12 इनटू वेट ऑफ कार्बन एटम, वेट ऑफ कार्बन एटम, वेट ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, वी नो वेट ऑफ वन मोल कार्बन एटम, वन मोल कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 grams, इज इक्वल टू 12 grams। सब लोग एग्री करेंगे बेटा, C12 आइसोटोप की बात कर रहे हैं, C12 आइसोटोप की बात कर रहे हैं, कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, इस 12 ग्राम्स, करेक्ट है बेटा। देयरफॉर वेट ऑफ, देयरफॉर वेट ऑफ वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम C12 वाला विल बी 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इनटू 10 की पावर 23। दुनिया को बात समझ में आई? देयरफॉर 1 AMU बराबर, देयरफॉर 1 AMU बराबर 1/12 इनटू वेट ऑफ वन कार्बन एटम, और दुनिया जानती है वेट ऑफ वन कार्बन एटम 1/12 इनटू 22 इनटू 10 की पावर 23, 12 ने मारा 12 को, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23, 22 कर देता हूँ, इज इक्वल टू, ये जो भी गणित पे आ जाए, ये जो भी गणित पे आ जाए। क्या सब लोगों को मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आ तो गई होगी यार, है कि नहीं? क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई है? This is equals to 1.66 into 10 की पावर माइनस 24, 1.66 into 10 की पावर माइनस 24 GRAM grams, या मैं डायरेक्टली बोल सकता था 1/NA is equal to number of is equals to 1 AMU, is equals to 1 AMU, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? एटॉमिक मास जो होते हैं वो AMU में बताए जाते हैं, मोलर मास जो होते हैं वो ग्राम में बताए जाते हैं। और खैस ठोप झटापट फटाफट ठोप लो, टाम तुम चकाम चाहिए दुम दुम। पूरा प्रूफ के समय दे दिया मैंने आपको, ये है ना बच्चों? आओ इसको मिटाएं और आगे ज्ञान की गंगा बहाएं, ठीक है ना? चलो बच्चों, इसको मिटा रहे हैं और ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। चलो भाई, यदि मैं आपसे बोल दूं कि वेट ऑफ वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या होगा, तो क्या दुनिया जानती है कि वेट ऑफ वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कितना होता है? 44 AMU होता है। क्या पता है ये बात? इज इक्वल्स टू 44 ग्राम नहीं, 44 AMU होता है। सो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज 44 AMU। वेट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 32 AMU, और इसको यदि आगे डिस्कस करूं तो 44 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स, इसको डिस्कस करूं तो 32 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? 24 ग्राम्स, क्लियर है बेटा इतनी बात? तो AMU में बताते हैं अपन एटम का या मॉलिक्यूल का वेट। यदि किसी ने बोला कि सल्फेट का आयनिक वेट कितना है, तो सल्फेट का आयनिक वेट कितना है, तो हम बोलेंगे दिस इज 96, 32 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 96 ही होगा, 96 AMU, एंड दैट इज इक्वल्स टू 96 इनटू 1.66 इनटू 10 की पावर माइनस 24 GRAM ग्राम। करेक्ट है बेटा इतनी बात? करेक्ट है बेटा इतनी बात? क्या सब लोग बात को समझ गए हैं? AMU शब्द सबको समझ में आ गया है? जल्दी जल्दी बोलो यार, आ गया है? शाबाश बेटा। चलो, यदि मैं बोलूं ये डिब्बो मेरे पास मौजूद है और इसमें 100 AMU हीलियम बचा हुआ है, इसमें 100 AMU हीलियम प्रेजेंट है, तो बताओ कितने एटम हीलियम के प्रेजेंट है, तो बताओ कितने एटम प्रेजेंट है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम प्रेजेंट, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम प्रेजेंट। अब सुनो बेटा,
मोल कंसेप्ट से मास और नंबर के बीच एक रिलेशनशिप आता है, हमको पता है वेट अपॉन मोलर वेट, वेट अपॉन वेट, वेट अपॉन वेट ऑफ वन, या फिर इसको यूनिटरी से कर देते क्योंकि मोल के लिए है तो यूनिटरी से कर देते, तो यूनिटरी से कर देंगे मास ऑफ वन हीलियम एटम बराबर चार एएमयू, मास ऑफ वन हीलियम एटम बराबर चार एएमयू, तो यहाँ कितना है 100 एएमयू है। अरे जल्दी बता दो यार, जल्दी बता दो यार, क्या सबको बात समझ में आ जाएगी भाई? तो कितना हो जाएगा मास ऑफ वन हीलियम एटम बराबर चार एएमयू, देयरफॉर 100 एएमयू इज मास ऑफ, 100 एएमयू इज मास ऑफ कितने हीलियम एटम, 25 हीलियम एटम, 25 हीलियम एटम। अरे बोलो आया कि नहीं आया, फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, चलो ठोप लो जटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो जिससे आपका मोलवा जल्दी जल्दी हो जाए। हो गया बेटा? अच्छा चलो यहीं पे कुछ शब्दों की बात कर लेते हैं अपन, यहीं पे कुछ शब्द, तेज तो नहीं हो रहा एक बार बताओ? ओके ठीक है, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया ठीक। चलो भाई अब मैं ऐसा करता हूं कि और यदि किसी को लगे सही में के तेज है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करना बेटा, रिकॉर्डिंग मिल रही है ना पॉज कर देना रिकॉर्डिंग को और फिर सुन लेना, ठीक है ना, स्लो कर देना। मैं आपको YouTube वाली रिकॉर्डिंग बना दूंगा, तो YouTube पे ऑप्शन होता है, क्या ऑप्शन होता है, स्लो करने का होता है ना, YouTube पे ऑप्शन होता है, आप चाहो तो स्पीड स्लो कर सकते हो, स्लो करके देख लेना, और चाहो तो और फास्ट करके देख लेना, फास्ट करने का ऑप्शन प्लेबैक स्पीड। ओके बेटा ठीक, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो बेटा बात चल रही थी, मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था, अपन लोग पढ़ रहे थे। अब मैं आपको कुछ शब्द बताता हूँ, कुछ शब्द होते हैं जैसे कि एक शब्द होता है, हाँ फॉर्मूला बेस्ड है और कंसेप्ट है थोड़े थोड़े, तो पढ़ते हैं बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर है ना, पर मैं कर दूंगा जल्दी खत्म। सुनो एक शब्द होता है ग्राम मोल, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल, और एक शब्द होता है ग्राम एटम, और एक शब्द होता है ग्राम आयन, ठीक है ना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब होता है मोल मॉलिक्यूल, ऐसा करें लिख दूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल बराबर 1 मोल मॉलिक्यूल, उसने बोला 1 ग्राम एटम बराबर 1 मोल एटम, उसने बोला 1 ग्राम आयन बराबर 1 मोल आयन, ठीक है बेटा। देर आर टू वेसल्स 1 एंड 2, इट कंसिस्ट ऑफ 12 ग्राम CO2 एंड इट कंसिस्ट ऑफ 12 ग्राम मॉलिक्यूल CO2, find out weight of, find out sorry find out weight of CO2 in vessel A and B, समझ गया बात, वेसल ए में कितना है और वेसल बी में कितना है, बोल दो बेटा वेसल ए में कितना है बेटा वेट CO2 का, इसमें 12 ग्राम CO2 है और इसमें 12 ग्राम मॉलिक्यूल CO2 है, वेसल ए में CO2 का वेट कितना है यार, अभी तक आंसर नहीं आया। वेसल ए में वेट ऑफ CO2 कितना है, अब आया पहला आंसर, अब आया पहला आंसर, क्योंकि इसका आंसर 12 है इसलिए आप इतना सोच रहे हो, आपको लग रहा है क्वेश्चन ही नहीं है,
सर ने बोला 12 ग्राम CO2 मौजूद है, बताओ कितना CO2 मौजूद है, तो इतना सरल तो नहीं हो सकता, जरूर सर ने ही कोई गलती करी होगी। कोई गलती नहीं करी, एकदम सही क्वेश्चन है ना। 12 ग्राम, ठीक है ना। कई बार चीजें सरल होती हैं तो लोगों को ज्यादा लगता है। वेसल बी में कितना है, वेसल बी में कितना है बेटा, वेसल बी में कितना है, बारह एन ए है, वेट है 12 NA, कुछ भी। वेसल बी में वेट पूछा है, वेट 12 NA कैसे होगा यार, एन ए कहां से लगा दिया, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वेट अपॉन एन ए लिखते हो क्या, गिवन वेट अपॉन एन ए लिखते हो या गिवन वेट अपॉन मोलर वेट लिखते हो, बोलो मेरे भाई, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट लिखते हो ना, गिवन वेट अपॉन एन ए तो नहीं लिखते हो ना, तो एन ए क्यों बोला, तो नंबर ऑफ मोल कितने थे, 12 थे, मोलर वेट कितना है 44, क्या ग्राम के एएमयू, 44 ग्राम के एएमयू, 44 ग्राम के एएमयू, ग्राम क्योंकि मोलर वेट है, मोल का वेट है, बराबर कितना हो जाएगा गिवन वेट, बराबर हो जाएगा गिवन वेट, क्या अच्छा सवाल लगा, क्लियर है बेटा इतनी बात। 12 ग्राम एटम मतलब 12 मोल एटम, 12 ग्राम एटम मतलब 12 मोल एटम, 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन मतलब 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन मतलब 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन मतलब 12 मोल कार्बन। लगता है 2-3 सवाल और करवाने पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट लो, 2-4 और करवाता हूं, चिंता मत करो आप, कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा भाई। हो गया ये स्क्रीनशॉट, डनाडन टेकन टेकन टेकन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे और पढ़ते हैं, आनंद आ रहा है, आ रहा है, ओके। चलो बेटा मैं ऐसा करता हूं, मैं ले लेता हूं एक वेसल और मैं ले लेता हूं दूसरा वेसल, करेक्ट है। इस वेसल के अंदर मैं ले लेता हूं 12 ग्राम, 12 क्यों लूं मैं, 12 की जगह अब की बार मैं 6 ग्राम कार्बन ले लेता हूं, 6 ग्राम कार्बन ले लेता हूं, और इस वेसल के अंदर मैं ले लेता हूं 2 ग्राम मोल एटम कार्बन। फाइंड आउट द वेट इन वेसल ए एंड वेसल बी, फाइंड आउट वेट इन, फाइंड आउट वेट इन वेसल ए एंड वेसल बी सॉल्यूशन। ए में कितना वेट होगा, 6 ग्राम होगा, ए में कितना होगा 6 ग्राम, या वेट नहीं लेते आपके बारे, फाइंड आउट मोल इन वेसल ए एंड वेसल बी, वेसल ए में कितना हो जाएगा 6/12 आधा मोल, करेक्ट है बेटा, कितना हो जाएगा आधा मोल, और वेसल बी में कितना मोल दिया हुआ है 2 ग्राम एटम, तो इसका मतलब 2 मोल, तो रेशो कितना आ जाएगा 1:4। बोलो मेरे भाई, क्वेश्चन रेशो का भी हो सकता था, क्वेश्चन रेशो का भी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है ना बेटा, क्या सबको बात क्लियर है, क्या सबको बात क्लियर है, ओके। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने, क्या इसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया, रेशो पूछता तो 1:4 हो जाता भाई, ठीक है ना। अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से, यदि मान लो अगेन मैं 2 वेसल्स ले लेता हूँ, वेसल ए और वेसल बी ले लेता हूँ, करेक्ट है बेटा, अंडर सिमिलर कंडीशंस, अंडर सिमिलर कंडीशंस, अंडर सिमिलर कंडीशंस, ठीक है ना बेटा, इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है 22 क्यों लिखूं मैं इसको, 16 ग्राम SO2 गैस, 16 ग्राम SO2 गैस, और इसके अंदर प्रेजेंट है 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2, 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2, 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2, करेक्ट है बेटा। अब मैं आपसे पूछता हूं, फाइंड आउट देयर वॉल्यूम, फाइंड आउट
देयर वॉल्यूम, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन ले लेते हैं, सॉल्यूशन में ए का वॉल्यूम ले लेता हूँ कितना, 16 है ना, और 22.41 डिवाइडेड बाई 4, और बी का वॉल्यूम ले लेता हूँ 22.41 इंटू 2, और ये बी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 22.41, और ये ए सॉरी ए और ए में और बी में कितना ले लेता हूँ 22.41। ये ऑप्शन एक है, ये ऑप्शन दो है। ऑप्शन तीन में ए का वॉल्यूम में ले लेता हूँ कितना, 11 लीटर, ये लीटर ये लीटर, और बी का ले लेता हूँ 22 लीटर, ठीक है ना। और चौथे ऑप्शन में कैनॉट बी फाउंड, हमको कुछ नहीं पता, कैनॉट बी फाउंड। कौन सा आंसर सही, जल्दी से बोलो सर। फर्स्ट आंसर हेंगा। सबका आंसर फर्स्ट आंसर हेंगा। ओके ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 4 हेंगा। अब एक कंडीशन तो बताइए ना, अंडर सिमिलर कंडीशन बताइए, मैंने कह दिया था कितना वॉल्यूम है। अरे भाई कंडीशन से टेम्परेचर प्रेशर थोड़ी ना मेंशन किया, मेरे को क्या पता कितना वॉल्यूम है। एनटीपी एसटीपी पे ये होता, घूम गए ना भैया। जब कंडीशन बताई नहीं, तुम्हें कैसे पता इतना वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम तो एनटीपी एसटीपी पे, उसको बोला अंडर सिमिलर कंडीशन, कहां बोला एनटीपी एसटीपी, और चौथा ऑप्शन क्या दिया अंडर सिमिलर कंडीशन, आया कि नहीं आया। अब सुन यही क्वेश्चन, फाइंड आउट रेशो ऑफ VA बाई VB सॉल्यूशन ए। अब दो 8:1, बी 1:8, सी 4:1, डी 1:4, ई कैनॉट बी फाउंड। चलो भाई बोलो क्या आंसर सही होगा, डी। ओके नम्रता ने कहा डी, विश्वास ने भी कहा डी, डी 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 सबने कहा डी। अच्छा भाई इसका वॉल्यूम कितना होगा यदि अंडर सिमिलर कंडीशन है। मान लो अंडर सिमिलर कंडीशन है, दोनों को एसटीपी पे मान लिया, तो ये 1/4 मोल है क्या, ये 1/4 मोल है क्या, और ये कितना है 2 मोल है। क्या तुम्हें मेरी बात तो समझ में आ रही है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। पहला वाला 1/4 मोल हुआ कि नहीं हुआ, सच्ची सच्ची बोलो यार। 16 है ना, और वो 32 + 32 = 64 है, तो इसका मतलब आंसर आपने गलत बताया है। अब आ गया आपको समझ में, इसका आंसर होगा 1:8। क्या बात क्लियर है सब लोग को, ये 2 मोल है भाई और ये 1/4 मोल है, ये 1/4 मोल है और ये 2 मोल है, तो आंसर होगा 1:8। क्या बात सबको चमक गई। देखो मैं अपने आप ही क्वेश्चन बना रहा हूँ खड़ा खड़ा आपके सामने, और आपको घुमाता जा रहा हूँ, और दो क्वेश्चन बनाए दोनों में आप घूम गए, तो अपन को ध्यान रखना है, अपन को इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो फटाक दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लो, मजा आ रहा है, आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, मजा तो आना चाहिए। मिटाऊं क्या मैं इसको। चलो आ मिटा देते हैं, हो गया। चलो भाई तो ग्राम एटम सीख लिया आपने, ग्राम मॉलिक्यूल सीख लिया, ग्राम आयन सीख लिया, इन शब्दों को सीख लिया। सीखने के बावजूद इन शब्दों में आप गलती करोगे मुझे पता है, तो प्लीज इन शब्दों पे आप थोड़ा सा सावधान हो जाओ, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस टाइप के टर्म्स हैं। इसके आधार पे वो आपको क्वेश्चन दे देगा किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, और इस हिसाब से कहीं वेट दे देगा, कहीं वॉल्यूम दे देगा, कहीं शब्द ग्राम मॉलिक्यूल लिख देगा, कहीं ग्राम एटम लिख देगा, कहीं सिर्फ एटम का वेट लिख देगा या मॉलिक्यूल का वेट लिख देगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें क्या लेना है, ठीक है ना बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। और एग्जामिनर समझदार हुआ तो एक साथ दोनों चीजें नहीं लेगा, एक ही चीज लेगा बेटा,
एक साथ दोनों चीज नहीं लेगा, एक ही चीज लेगा। वो आपको बोलेगा 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ, और ऐसा बोलेगा बल्कि 32 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और बच्चे को लगेगा 32 32 बटे 64 बराबर आधा, खत्म, खेला बाबू आ गया मेरा, है ना, और वहीं पे निपट गया, क्योंकि उसने 32 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा था, और 32 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 32 मोल होता, मतलब 32 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 32 मोल होता, और एग्जामिनर ने बच्चे को बहुत बहुत स्वीटली घुमाया, बच्चे को 32 जैसा फिगर दिया, तो बच्चे को डाउट हुआ, अल्लाह कितना सरल, 32/64 बराबर हाफ बराबर आंसर, और बस हो गए बच्चे। चलो भाई, तो मैंने आपको समझा दिया ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्राम मास क्या होता है, सबको बात समझ में भी आ गई होगी। अच्छा, एक्चुअल मास समझते हो क्या होता है, एक्चुअल मास समझते हो क्या होता है, तो किसी ने बोला फाइंड आउट एक्चुअल मास ऑफ, फाइंड आउट एक्चुअल मास ऑफ H2O। तो एक्चुअल मास मतलब AMU में जो आता है। आपको यदि मैं पूछूं वाटर का एक्चुअल मास क्या होता है, तो बहुत सारी जनसंख्या तो बोल देगी सर 18 ग्राम होता है, बहुत सारी जनसंख्या बोल देगी 18 ग्राम होता है, तो वाटर का एक्चुअल मास थोड़ी ना 1 मोल वाटर का मास है, वो वाटर का एक्चुअल मास थोड़ी ना, वो तो 1 मोल वाटर का मास है। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो हमें आंसर क्या देना है, 18 AMU एक्चुअल मास का है में रखना है AMU में, सो ये हो जाएगा 18 × 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम्स। आया कि नहीं आया? आना तो पड़ेगा भाई, है ना। किसी ने आपसे पूछ लिया कि मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो कर दोगे सब लोग, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आई सपोज दैट सब लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ ग्राम्स होता है, इंटू 6.022 × 10³ हो जाएगा। क्या मैंने सब सही लिखा है? शायद सही लिखा होगा, ठीक है ना। मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहता है, तो अपन को तो पता होना चाहिए एक का कितना होता है, 1.67 × 10⁻²⁷ ग्राम्स होता है, ठीक है ना, −27 ग्राम्स होता है, इंटू 6.022 × 10³ हो जाएगा, 1.67, सही है ना, 1.67 समथिंग लाइक दिस, ये मास है। लेट मी चेक, यदि मेरे पास एग्जैक्ट मास लिखा हो तो शायद कुछ ऐसा ही था मास उसका, 17325 है और 17323 है, समथिंग लाइक दिस, आई डोंट रिमेम्बर दैट एग्जैक्ट मास, चैप्टर एटमिक स्ट्रक्चर में शायद दिया हुआ है वो मास, एकदम मैचिंग करके मास दिया हुआ है ना, चैप्टर एटमिक स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, तो हाँ ये दिया है 1.675 और 1.673 ऐसा करके मास दिया हुआ, 1.672 और 1.675 ऐसा करके अपन मास सेलेक्ट कर लेंगे उसका, है ना, तो 1.672 लिख देता हूँ इधर, × 10⁻², ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन वाला हो गया, और न्यूट्रॉन वाला क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, 1.675 × 10⁻²⁶.022 × 10³³, जो आंसर आ जाए मुंह पे मार देना, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े, आओ आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब इतनी सारी कहानियां पढ़ने के बाद सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, अब अपन आते हैं किसी चीज पे जिसको कि हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी करके एक शब्द होता है, एक शब्द होता है वेपर डेंसिटी, ठीक है बेटा, क्या वेपर डेंसिटी ले ले? अच्छा, इलस्ट्रेशन 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ये आप खुद सॉल्व करोगे, इलस्ट्रेशन 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये आप खुद सॉल्व करोगे कि मैं कराऊं आपको सॉल्व, और इसके पहले के भी होंगे कुछ इलस्ट्रेशन, आप लोग खुद सॉल्व करोगे ना, 14 से चालू करना बेटा,
14 से चालू करना है ना, आज ही कर लेना, 14 से इलस्ट्रेशन चालू करके 20 तक इलस्ट्रेशन आप कर लेना। उसके बाद बिगनर बॉक्स वन है, बिगनर बॉक्स वन के 5 क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना, है ना। आप कहोगे तो मैं करा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको पता है कोई क्वेश्चन मॉड्यूल का नहीं कराता हूँ, मैं आपको इधर उधर के सवाल खूब करा देता हूँ, है ना। चलो भाई, रिलेशन बिटवीन मॉलिकुलर वेट एंड वेपर डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन मॉलिकुलर वेट एंड वेपर डेंसिटी, लेट्स चेक इट आउट। रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिकुलर वेट एंड वेपर डेंसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिकुलर वेट एंड वेपर डेंसिटी, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड के लिए आप रुकोगे जरा। चलो खैर छोड़ो, अभी मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं ऐसा करूंगा, कल मैं आपसे जिस बुक के सवाल डिस्कस करने वाला हूँ वो कौन सी बुक है आपको पता है, कल मैं आपसे एनसीईआरटी के डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। मॉड्यूल आप खुद करोगे, एनसीईआरटी में क्लास में डिस्कस कर दूंगा, तो हो जाएगा काम खत्म। जैसे मैं अपने मन से सवाल बना रहा हूँ ना, इसकी जगह आधे सवाल में मन से बना दूंगा, आधे सवाल एनसीईआरटी के जो है वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। चलो, तो रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिकुलर वेट एंड वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ अ गैस अंडर गिवन कंडीशन अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट है बेटा, अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बराबर होता है वेपर डेंसिटी। किसी भी गिवन कंडीशन पे डेंसिटी ऑफ गैस दी और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दी है, दोनों को अपॉन कर देना एक दूसरे से, आपको उत्तर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेपर डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अच्छा, दुनिया जानती है कि PV is equals to nRT होता है, वी नो दैट, हमको मालूम है, हमको मालूम है, वी नो दैट PV is equals to होता है nRT, और PV is equals to क्या होता है W by mRT, क्या बात क्लियर है बेटा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर रखा P, इधर ले आऊं m, और इधर क्या करता हूँ m कर देता हूँ, दिस इज मॉलिकुलर वेट, दिस इज वेट ऑफ द गैस, ये हो जाएगा P और ये आ जाएगा V, गैस गैस खेल रहे हैं क्योंकि गैस पे ही एप्लीकेबल है, W by V और ये हो जाएगा RT। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, W by V is equals to density होता है, तो density into RT बराबर हो जाएगा PM, तो density बराबर क्या हो जाएगा PM बटे RT, PM divided by RT, RT मतलब RT is equals to हो जाएगा density। तो आप खुद ही सोचो बेटा, यदि मैं यहाँ पर इन फॉर्मूलों को रिप्लेस कर दूं, क्या अंडर सिमिलर कंडीशन है सब कुछ, क्या अंडर सिमिलर कंडीशन है सब कुछ, सच्ची सच्ची बोलो, सिमिलर कंडीशन है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा डेंसिटी ऑफ द गैस P into m गैस अपॉन RT, P into m गैस अपॉन RT, अपॉन P into mH2 अपॉन RT, RT ने मार दिया RT को, P ने मार दिया P को, एंड वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू m गैस अपॉन MH2, और दुनिया जानती है कि MH2 कितना होता है, दो होता है, तो वेपर डेंसिटी इनटू टू इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए गैस। सुना है ये फॉर्मूला, कई बार सुना होगा जीवन में, वेपर डेंसिटी बराबर टू इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। क्या सब लोगों को बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, सरल था सिंपल था। ये देखो, वेपर डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अपन को पता है किसी गैस के लिए PV equals to nRT होता है, आइडियल गैस, इस पर सब आइडियल माना है, PV equals to W by mRT हो जाएगा बेटा, V को नीचे लेके आओ, W by V equals to D हो जाएगा, PM by RT equals to density हो जाएगा। हमने यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया इनके, बाकी सब कंडीशन सेम थी, तो RT RT कट गया, PP कट गया, m गैस अपन MS2 आ गया, MS2 दो होता है इसलिए यहाँ पर दो आ गया, बात क्लियर है बेटा। ओ कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, खाना बोला करो यार, क्या आलसियों की तरह बैठे हुए हो, क्या तुम्हारी ऊर्जा किसी ने चूस ली है, ठीक है। ओके यस सर, हमारी एनर्जी कम हो गई है सर, पढ़ते पढ़ते हम लोग पक गए हैं सर, भाई कोई भी कंडीशन हो अपन को हिम्मत नहीं हारनी है, पढ़ाई करते रहना है, हर कंडीशन को अपने लिए इस्तेमाल करना है, कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो। थके तो नहीं है सर, थक गए हैं थोड़े से, ये बात तो नेचुरल है बेटा कि थकोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साल भर से पढ़ रहे हो,
थक ही जाओगे, थोड़ा बोरियत भी होगी, थोड़ा डिप्रेशन भी आएगा, जैसा माहौल बाहर चल रहा है उससे भी डिप्रेशन आएगा। लेकिन हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है, और पॉजिटिव बनाना कैसे है, यही सोच के बनाना है कि इस मौके को हम कैसे इस्तेमाल करें, अब क्या बेस्ट हो रहा है। पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। ये सोचना है कि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लग गया है, या जो अब मतलब क्लासेस थोड़ी हैम्पर हुई हैं, अब ऑनलाइन क्लास लग रही है, पहले ऑफलाइन क्लास लग रही थी, या जो शहर के माहौल में बदलाव है, कोई नहीं जानता देखो कि शहर का माहौल अगले 3 दिन में कैसा जाने वाला है, केसेस की संख्या कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी, क्लास लगेगी नहीं लगेगी, इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से बोल सकता है लेकिन अल्टीमेट डिसीजन सरकार लेती है, आपको भी पता है ना। बट हर एक चीज में हमको पॉजिटिव सोचना है, हमको पॉजिटिव क्या सोचना है, हर एक चीज में हमको पॉजिटिव हर एक चीज में ये सोचना है, हाँ यार ये ठीक है यार, अब मैं जो हूं ना वो अच्छे से बैठ करके पढ़ सकता हूँ अपने घर पर, अब मेरे को कोई मतलब टेंशन नहीं हो रही है इधर उधर की, मैं सेफ हूँ कम से कम अपने घर पर, करेक्ट है बेटा इतनी बात। और यदि खुल जाए और क्लासेस लगने लग जाए तो भी खुश हो जाना है कि हाँ चलो ठीक है बढ़िया है, अब अपनी क्लासेस लगने लग गई, अच्छा है, सारा पॉजिटिव है। लेकिन ध्यान रखने की फिर भी जरूरत है, ध्यान रखने की फिर भी जरूरत है। आपको याद है बेटा मैं डे 1 से एक बात बोलता हूँ कि मास्क लगाए रखो, आप लोगों से डे 1 से बोलता हूँ मास्क लगाए रखो और सब चीजें मतलब अपन प्रिकॉशंस लो। यदि पूरी पब्लिक ये काम कर रही हो तो क्या कभी दिक्कत होती, क्या कभी दिक्कत होती, नहीं होती दिक्कत। लेकिन पब्लिक जो है काम करने को तैयार नहीं, कभी मास्क उतार लिया, कभी इधर कर लिया, कभी उधर कर लिया, तो वो तो दिक्कत की बात है बेटा, उससे सब लोग फंस जाते हैं। और ये गलत फहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए कि हमको नहीं हो रहा है, ये गलत फहमी में कोई ना रहे कि कोई सोचे हमको नहीं हो रहा है। पता कर लो न्यूज में किसको हो रहा है किसको नहीं हो रहा है, और सीवियरिटी कैसी चल रही है, समझे आप मेरी बात को। बात डरने की नहीं है लेकिन सावधानी रखने की है, बात डरने की नहीं है सावधानी रखने की है। हम अपने आप को आपको सिर्फ एक बात मान के चलना है कि यदि विश्व में सबको कोरोना होना है, आई विल बी द लास्ट पर्सन जिसको होना है, आई विल बी द लास्ट पर्सन जिसको होना है, बस ये मान के जो चलेगा उस पे करुणा देवी कृपा करेंगे और उससे थोड़ा दूर रहेंगे, और जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा वो उसको पटक पटक के मारती है, आपको ये बात पता है। क्या बात क्लियर है बेटा सब लोगों को, ठीक है ना। हेल्थ भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है, हमको दोनों एक साथ करनी है, ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़े और आगे बढ़े। तो बेटा एलन ने जो है बंद कर दिया अभी 10 दिन, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, मेरी समझ में ऐसा कोई आदेश नहीं है बंद करने का, क्योंकि एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने देखा अभी भी चल रहे, उनका बढ़िया वो स्ट्रेंथ के साथ बच्चों को बुला रहे हैं, कसम से स्वार्थ की पराकाष्ठा है और कुछ नहीं है, कसम से मैं आपको बोलूं स्वार्थ की पराकाष्ठा है, अपना धंधा करने के लिए आप बच्चों को निपटा दो, बस ये बात है। तो कम से कम इतना सोच लेना चाहिए, हाँ जो भी है वो उनको इतनी बात सोच लेनी चाहिए कि यदि मान लो इधर का उधर कुछ हो गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत फेमस स्कूल है, एक बहुत बड़ा स्कूल है, 100 बच्चे पॉजिटिव हैं अंदर स्कूल के, और अब जो है हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, रियलिटी ये है। तो आप सोचो आप कि अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपना नाम करने के लिए तुमने इस सीरियस कंडीशन को नहीं समझा। एलन पे कोई फोर्स नहीं था, एलन पे कोई फोर्स नहीं था, एलन पे कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता, आप जानते हो कि किस टाइप का कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो द थिंग इज दैट इसके बावजूद भी उन्होंने बंद किया, एंड द रीजन इज सिंपल, और वो है कि हमें हेल्दी भी रहना है और हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें हेल्दी भी रहना है और हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें सिर्फ जो है ये नहीं सोचना है हरदम बिजनेस 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 एक ही बात सोचते जाएं, वो गलत है बेटा, वो गलत है। और लॉन्ग टर्म में भगवान ना करे कहीं भी कोई प्रकार का यदि फैल गया तो मैं बता रहा हूँ लोग ना थूकेंगे नाम से, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो बात गलत है, हमें प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। आई सपोज दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है ना। आपको तो पता है मैं डे 1 से ही कुछ चीजों के खिलाफ हूँ, आपको आज समझ में आए ना आए, और कुछ साल बाद आप ये बात मानोगे, कुछ साल बाद आप ये बात मानोगे कि जो भी वो मास्टर था वो सही कहता था, गलत नहीं कहता था, गलत नहीं कहता था, सही कहता था। जो मैं बात कहता हूँ, बिजनेस अपनी जगह है और इथिक्स अपनी जगह है, इथिक्स नहीं है तो बिजनेस खत्म है, दैट इज ट्रू। तो मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ, इसके पहले मैं इमोशनल हो जाऊं, मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। क्या सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है कि मैं ही सामने अड़ा रहा आप लोगों के? ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ले लो मेरे भाई, टम टुम चकाम कचैया दुम दुम चट टू। ये चलो रे डोली उठाओ तहनिया मिलन गीत के आई। हाँ भाई वेपर डांस की सबको समझ में आ गया,
पेपर डेंसिटी सबको समझ में आ गया, पेपर डेंसिटी सबको समझ में आ गया। क्या हम लोग डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं ना, आओ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करें। आओ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करें। क्या हम जानते हैं पी इज इक्वल टू एन आर टी होता है? क्या हमने थोड़ी देर पहले लिखा था डी बराबर पी एम बाई आर टी था? क्या सबको याद है? एट एनटीपी एसटीपी कैलकुलेट करते हैं। एट एसटीपी यदि बात की जाए तो पी की वैल्यू 1 होगी, हाइड्रोजन का मास 2 होता है, अपॉन आर की वैल्यू 0.0821 एन, तो टी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? टी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? टी की वैल्यू होगी 273.15 एंड दिस इज इक्वल्स टू आई सपोज 8.9 × 10⁻²। लेट मी कैलकुलेट दैट। 8.0821 divided by 273.15 is equals to 0.089. 0.089 और फिर 18 भी है, 18 कौन लिखे, इतना काफी है। क्लियर है बेटा इतनी बार? तो द थिंग इज दैट दिस इज इक्वल टू 8.9 × 10⁻²। 8.9 × 10⁻²। करेक्ट है, ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा। क्या सबको बात समझ में आ गई? अरे बोलो ना बेटा। और ये डेंसिटी काय में आई? ग्राम पर लीटर में आई, ग्राम पर लीटर में आई है डेंसिटी। तो ये डेंसिटी हो जाएगी ग्राम पर लीटर में। हो 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 हो, बस यही अपन को कर देना, यही अपन को कर देना। अब डेंसिटी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम पर एमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि ml करना है तो लीटर की जगह 1000 लिख दो, तो ग्राम पर ml में 8.9 × 10⁻⁵ ग्राम पर ml हो जाएगी। क्या सबको बात क्लियर है बेटा? बोलना तो पड़ेगा। क्या सबको बात क्लियर है? बोलना तो पड़ेगा। आप चाहो तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? आप चाहो तो इसको पर केजी पर मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। केजी करोगे तो ग्राम का केजी करोगे 10⁻³ लिखना पड़ेगा, और मीटर क्यूब करोगे 10⁻⁶ लिखना पड़ेगा, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं आया समझना? यूनिट के कन्वर्जन्स कर सकते हो? अरे ग्राम की जगह केजी लिखेगा तो कर सकता है ना, 1 g = 10⁻³ kg लिख सकता है ना? हाँ लिख सकता है। बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गया आपका? डेंसिटी हो गया। तो डेंसिटी किस यूनिट में दी हुई है वो अपन को देख लेना है। डेंसिटी किस यूनिट में दी है वो अपन को देख लेना। ये 8.9 × 10⁻², ग्राम पर लीटर है, और यही मैं चाहूं तो लिख सकता हूँ 8.9 × 10⁻⁵ ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल। क्या मैंने सब सही किया है बेटा? यदि मैं चाहूं तो लीटर की जगह 1000 ml लिख सकता हूं, मुझे तो हाना तो चाहिए। क्या मैं लीटर की जगह 1000 ml लिख सकता हूं और डिवाइड बाय 1000 होगा 10⁻⁵ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो सबको चमक गया ना? चलो भाई, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे पढ़ते हैं और बात करते हैं। तो इधर क्या मैं लिख सकता हूं, यदि इसी को मैं ग्राम पर एमएल में कन्वर्ट करना चाहूं, हो गया ना ग्राम पर एमएल, लेकिन इसको मैं केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं? 8.9 × 10⁵ इंटू, ये ग्राम में कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, और अपॉन एमएल की जगह मीटर क्यूब रखूंगा, 10⁻⁶ रख दूंगा। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? चीयर्स बेटा। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? जल्दी बोलो यार। मुझे लग रहा है मैं अकेला ही हूं जो करता हूं। हाँ ये देखो भाई, ग्राम की जगह 10⁻³ kg रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? 1 g = 10⁻³ kg होता है ना, और 1 ml = 10⁻⁶ मीटर क्यूब होता है ना, तो ऊपर आएगा 8.9 × 10⁻², हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो ये बराबर हो जाएगा 8.9 × 10⁻², केजी पर मीटर क्यूब, और इधर से भी हो जाएगा 1000 लीटर बराबर मीटर क्यूब होता है, तो 10⁻³ बराबर मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर हो जाता, और ग्राम की जगह 10⁻³ kg हो जाता, 10⁻³ 10⁻³ कट जाता, यही आता, वही वहां आया है। भाई चमका, सबको पता है कि नहीं पता है? 1000 लीटर = 1 m³ होता है, पता है ना? तो 1 लीटर बराबर कितना होगा, 10⁻³ मीटर क्यूब होगा बेटा।
बोलो भाई, बोलो मेरे भाई, आपस में चैटिंग तो नहीं कर रहे हो तुम लोग, मेरे को जवाब नहीं आ रहा तो। यस सर, नो सर, वेरी गुड सर, लगाओ। तो भाई तुम लोगों को वेपर डेंसिटी वाली कहानी पूरी समझ में आ गई यार? बेटा वेपर डेंसिटी की पूरी कहानी समझ में आ गई है ना? एग्जामिनर उल्टा उल्टा लेट जाए तो भी कुछ नहीं हो रहा है ना, वेपर डेंसिटी पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं, ये तो बता दिया, रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड वॉल्यूम हो गया, ये तो ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम सब हो गया। अब आएगा बच्चों सवाल, अब आएगा बच्चों सवाल, एक आध सवाल कर लेते हैं। सर आज का टाइम भी हो गया, ऐसा टाइम हो गया? ओके चलो, बहुत बढ़िया दी, टाइम हो गया है तो ठीक है बेटा। तो यदि टाइम हो गया तो आज के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, कल मिलते हैं अपन, हैव अ नाइस डे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें बच्चों।